हजारे पहाड़ के स्लम बस्ती में प्रेम प्रकरण को लेकर एक आरोपी ने धुर्वे परिवार के दो व्यक्तियों की हत्या कर दी है। घटनास्थल से आरोपी फरार है कि टिकदान पुलिस जांच कर रही है। आए दिन शहर में प्रेम प्रकरण को लेकर कई घटनाएं हो रही है। इसी क्रम में हजारे पहाड़ के स्लम बस्ती में प्रेम प्रकरण को लेकर प्रेमी आरोपी ने लड़की की दादी उम्र 65 साल और लड़की का छोटा भाई 10 साल के यश की किसी धारदार हथियार से आरोपी ने हत्या कर दी। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही टिकदान पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेजा गया है। ये बताइए कि किस तरह की यह घटना हुई है? किस तरह की, मैं ऑफिस में था, मेरी लड़की बाजू में ऑफिस में काम करती मेरे यहाँ, तो बताते हुए आई दौड़ते हुए कि वह आजी को किसी ने मारा, तो हम लोग फिर आए यहाँ पर। उसके बाद फिर पुलिस ही यहाँ पर थी, तो मुझे अंदर का कुछ भी नहीं मालूम। मृतक आपके कौन लगते थे? मेरी माँ थी सगी। क्या उम्र थी उनकी? उनकी 70-72 साल। और जो दूसरे जिनकी मौत हुई है? वो मेरा भतीजा था। क्या नाम था उनका? यश, 10 साल का। किस कारण को लेके ये आरोपी ने किया था ऐसा? ये मेरी भतीजी जो है उनका किसी से अफेयर चल रहा था, लड़के से। उसने एक दो बार धमकी भी दे के गया था, तब भी हमने समझाए थे भाई को कि वह रिपोर्ट डाल दे, आगे चल के कुछ हो ना जाए, तो वो ही हो गया। लड़की की उम्र क्या थी? लड़की की उम्र 23 साल, 22-23। अब जब पुलिस है, अब आप क्या चाहते हो? हम तो इंसाफ ही चाहेंगे ना, उसको अंदर करना, फांसी लगाना या जान से मार डालो उसको। दर्शकों, जहां आज डबल जो मर्डर हुआ है, ये वही जगह है हजारी पहाड़ में। इस समय में इनविजन की टीम खड़ी है। हम आपको बता दें कि दोपहर के समय में ये घटना हुई है, जहां पे एक दादी माँ के साथ उसके नाती की भी एक आरोपी ने धारदार हथियार से उन्हें चाकू से गोंद दिया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ, ये जो बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे में प्रेम संबंध को लेकर बात कही जा रही है और चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। गिट्टीकदान पुलिस मौके पे पहुंची और उन्होंने दोनों बॉडी को अगली कार्रवाई के लिए अस्पताल भेज दिया है। आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। बहुत जल्द आरोपी गिरफ्तार होगा, ऐसे पुलिस ने बताया है। हजारी पहाड़ से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज़, नागपुर।